दोस्तों आज जो कमिश पढ़ने को चाहना में अनोखी ट्रेंड खेती ये राजकमिसी स्टोरी कॉमिक्स है तो पर देखते हैं इसमें रॉबरी होती है शायद पढ़ते हैं सीरीज को। 178 डाउन जेलम एक्सप्रेस गार्ड द्वारा हरी झंडी दिखाई जाते ही धीरे धीरे पटरियों पर रेंगने लगी। अरे जल्दी करो ट्रेन चल पड़ी है गर्म समोसे चाय चाय। कुछ ही देर में ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली राजनगर और तब जबकि शाहजहापुर का स्टेशन गाड़ी ने क्रॉस किया झेलम एक्सप्रेस के प्रथम श्रेणी कंपार्टमेंट के केबिन में। अरे रघु शाहजहापुर क्रॉस हो गया रघु। हूँ क्या हुआ सोने क्यों देते। शाहजहापुर क्रॉस हो गया बेबू। क्या शाहजहापुर क्रॉस हो गया जल्दी करो मालूम नहीं तुम्हें क्या करना है। जानता हूँ अब सोना नहीं मैं चला। काले शाहजहापुर के बाद अगला स्टेशन रेडफोर्ट का है जहाँ ट्रेन ठीक 2.5 घंटे बाद पहुंचेगी। इन्हीं 2.5 घंटों में अपना काम कर देना बॉस। अब से ठीक 2 घंटे 20 मिनट पश्चात हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचेंगे। तुम समझ गए ना चिंता मत करो बिल्ले हम तैयार हैं। तुम इस डिब्बे के अटेंडेंट को संभालो रमेश तुम मेरे साथ इस केबिन में आओ। काले उधर वो कंपार्टमेंट की छत की ओर जा रहा था उसके बाद एक के बाद एक डिब्बा फलांगता हुआ इंजन की ओर बढ़ता चला गया। फिर हेलो ड्राइवर का कौन क्या करोगे जानकर। तुम मुझे पहचानते नहीं हो पर हाँ इस रिवॉल्वर को जरूर पहचानते होंगे बिल्कुल असली है। क्या मतलब क्या चाहते हो तुम। कान खोल कर सुन लो तुम लोग मेरे पास यहाँ रुकने का अधिक समय नहीं है। मैं तुम्हें केवल यही बताने आऊँ कि तुम्हारी ट्रेन के किसी डिब्बे में एक स्पीडो बम फिट है। बम बम हाँ ट्रेन की स्पीड 50 से कम मत करना वरना स्पीडो बम अपने आप फट जाएगा और इस ट्रेन के साथ साथ तुम्हारे भी चीथड़े हवा में बिखर जाएंगे क्योंकि हो सकता है बम इंजन में कहीं फिट हो। नहीं क्या चाहते हो तुम। स्पीड ट्रेन को रामपुरक लूटना समझ गए। लूट आरंभ हो भी चुकी होगी। अगर इस ट्रेन में स्पीडो बम है तो तुम लोग ट्रेन से बाहर कैसे निकलोगे हेलीकॉप्टर द्वारा। और अब यह मत पूछना कि हेलीकॉप्टर कहां से आएगा। बकवास कर रहे हो तुम हमें मूर्ख बना रहे हो। ऐसा कोई बम हमने आज तक नहीं सुना या तुम्हारी केवल धमकी है। नहीं पैरेलाल या केवल धमकी नहीं है। अगर यकीन न हो तो ट्रेन की गति 50 से 49 करके भी देख लो। ड्राइवर दांत बीजते हुए लीवर की तरफ झपटा। मैं भी ट्रेन रोक कर दिखाता हूँ जरूर उसे लीवर घुमाते देख असिस्टेंट ड्राइवर उसी तरफ झपटता हुआ बोला कि क्या कर रहे हो। अगर वास्तव में ट्रेन में बम हुआ तो हटो पीछे हटो। उफ कहना होगा कि तो समझदार हो। वैसे तो मैं बता दूं कि जाते जाते हम तुम्हें जरूर बता जाएंगे कि बम कहाँ रखा है। और अब खामोशी से आगे बढ़ते रहो। मैं तब तक यहाँ से कहीं नहीं जा सक जा रहा जबकि मेरे सभी साथी काम पूरा करके ट्रेन की छत पर नहीं पहुंच जाते। जबकि उधर रमेश हेलो अटेंडेंट साहब दरअसल मैं आपको बताने आया हूँ कि हमने आपकी ट्रेन में एक स्पीडो बम लगा दिया। अगर ट्रेन की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हुई तो बम अपने आप फट जाएगा कुछ समझे। कि क्या मतलब कौन हो तुम लुटेरे इस पूरी ट्रेन को लूटना चाहते हैं। तुम्हें चेतावनी देने आया था कि चैन खींचने की भूल मत कर बैठना वरना हो सकता है कि स्पीडो बम इसी डिब्बे में कहीं फिट हो। ओ नो उफ क्या ये शैतान ठीक कह रहे हैं कहीं मैंने चैन खींची और सचमुच बम फट गया तो उफ इतना बड़ा रिस्क मुझे नहीं उठाना चाहिए। अच्छा तो पहरे भाई अब चलता हूँ मगर ध्यान रहे कहीं इस भूल में मत रह जाना कि बम वाली बात झूठी हो सकती है। ओह क्या गाड़ी लुट जाएगी। जबकि उधर केबिन नंबर F के भीतर काले काले तथा बिल्ले खबरदार कोई भी जगह नहीं ले हम ट्रेन को हाईजैक कर रहे हैं। खतरा देखते ही ऊपर वाली बर्थ पर लेटे युवक का तेजी के साथ खतरे की जंजीर की तरफ लपका लेकिन आह यह तुम बचने की नहीं बल्कि मौत के निकट जाने का सामान बना देते। सुनो कैसे हमने इस ट्रेन में एक स्पीडो बम लगा दिया जिसकी विशेषता यही है कि 50 किलोमीटर से कम रफ्तार होते ही वह फट जाएगा और कहने की अस्त करने की तब ट्रेन का क्या असर होगा। हो सकता है बैटरी बम इसी डिब्बे में कहीं हो। नहीं क्या चाहते हो तुम। जो भी कीमती सामान है तुम्हारे पास वहीं जल्दी करो अभी पूरी ट्रेन बाकी है। हम जानते हैं कि इस ट्रेन के 12 कंपार्टमेंट फर्स्ट क्लास और एसी चेयर कार के हैं। हमें उन सभी को लूटना है और ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी क्योंकि उसके रुकने का मतलब ही मौत होगा। तुम भी भीतर ही चलो जल्दी करो हमारे पास समय कम है। क्विक शाबाश वह मंगल सूत्र भी उतारो। नहीं ये मेरे सुहाग की निशानी इसे मत छीनो। सुहागी न दे तो नहीं नहीं मैं देती हूँ। ये लो शाबाश काफी समझदार हो काफी हो गया अब आगे चलें। अब बाहर निकलो हम दरवाजा उस वक्त तक बाहर से बंद करें जब तक पूरी ट्रेन ने लूट ले इसके बाद से खोल दिया जाएगा लेकिन हमारी बात को भूलना नहीं। बाय बाय तराक लुटेरे को जाती अब क्या करें हम तो बर्बाद हो गए। दुल्हन के सारे गहने हमारे रुपए पैसे
कुछ नहीं कर सकते, जब तक गाड़ी नहीं रुकती हम कुछ नहीं कर सकते। हम तुमने सुना नहीं उन्होंने गाड़ी में बम फिट कर रखा है? हूँ, ऐसा कोई बम नहीं है, वे सिर्फ हमें डराना चाहते हैं। ऐसा मत सोचो वरना हम सबकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आज का युग योग विज्ञान का युग है, दुनिया महाविनाशी परमाणु बम तक बना चुके, फिर क्यों नहीं बना सकती कोई स्पीडो बम? जवाब दो। इसका मतलब है ट्रेन कभी नहीं रुकेगी, और रुकेगी तो हो सकता है लूट के पश्चात लुटेरे में बम के विषय में बता जाए। वे इंसानी रक्त नहीं बहाना चाहते। इसकी जीती जागती मिसाल तुम अवैध चाहता तो तुम्हारा हाथ गोली से उड़ा भी सकता था। इसका मतलब ये लोग इंजन को भी अपने अधिकार में ले चुके होंगे, यकीनन ले चुके होंगे। जबकि एक के बाद एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट लुटेरों के बैग का वजन बढ़ता ही जा रहा था। जल्दी करो शाबाश, हम खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहते। और फिर 3 बजे में सिर्फ 3 मिनट अकाले रघु भी छत्र पहुंच गया होगा। अब बातें कम करो, ठीक 3 बजे बॉस हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाएंगे, हमें उससे पहले छत पर होना चाहिए। बाहर निकलो, संभल कर, घबराओ नहीं, बैग हमारी उम्मीद से कहीं अधिक भारी हो गया है। फिर ऊपर पहुंच गए, देखो रघु आ रहा है। अरे आवाज गुर्र गुर्र, देख रहा हूँ पीछे बिल्ले बॉस का हेलीकॉप्टर आ गया है। हेलीकॉप्टर से तुरंत एक सीढ़ी नीचे गिराई गई। मैं ड्राइवरों को बम वाले डिब्बे के विषय में बताया हूँ, इस समय हम उसी डिब्बे के ऊपर हैं। ठीक किया, अब जल्दी करो बिल्ले ऊपर चढ़ो ऊपर। बिल्ले बैग से धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। संभल कर बिल्ले, सीढ़ी कसकर पकड़ना। और तभी रमेश चीख उठा, गुर्र गुर्र, काले रघु बचो, आगे पुल है। लेकिन काले और रघु को मौत ने उनके बचाव का जरा भी मौका नहीं दिया। और आई बुढ़िया देखकर रमेश मौत के भय से बुरी तरह से कांप उठा। उफ, कितने भयानक मौत हुई उनकी, गुर्र गुर्र। जबकि ठीक उसी पर ट्रेन के भीतर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता कि स्पीडो बम जैसा कोई बम भी हो सकता है। मैं बड़ा जबरदस्त धोखा दिया गया, सुना था आप सबने, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर बम हुआ तो मैं तुम लोगों को भी हकीकत दिखा देता हूँ। और क्या कर रहे हो तुम लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ। और ट्रेन के ऊपर छत पर, ओ बिल्ले ऊपर पहुंच चुका है, अब मुझे भी देर नहीं करनी चाहिए। वो कमक फिर सीढ़ी हाथ से निकल गई, गुर्र गुर्र, हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे करो। अरे ट्रेन की गति कम क्यों हो रही है, कहीं किसी ने चैन तो नहीं खींच दी? उफ। और इस बार के प्रयास में वह सीढ़ी पकड़ने में कामयाब हो गया। आ गई पकड़, सीढ़ी पकड़ में। लेकिन ठीक उसी पल एक भयानक विस्फोट के साथ उस डिब्बे के पर खच्चे उड़ गए, धड़ाम। और उस समय हेलीकॉप्टर भी काफी नीचे था, ट्रेन के विस्फोट का असर उस तक भी जा पहुंचा था। और अगले ही पल धड़ाम, मानवता के दुश्मन की चिताएं उसे हेलीकॉप्टर में जल गई थी। स्पीडो बम ने जाने कितनी निर्दोष प्राणियों की मौत का कारण बन गया था। और फिर पलक झपकते ही इस दुर्घटना की सूचना हर ओर फैल गई थी। रेडियो टेलीविजन चीख रहे, स्पीडो बम, एक नया खतरा, सैकड़ों मरे, जान माल की हानि, ट्रेन दुर्घटना में पूरी गाड़ी लूट ली। समाचार पत्र उस दिन 4 गुना अधिक दामों में भी। आज की ताजा खबर, स्पीडो बम से ट्रेन में विस्फोट, पूरी ट्रेन लूटी, एक देना है मुझे भी देना। और उस खौफनाक घटना के ठीक एक माह पश्चात राजनगर में, ओ नो, क्या पकड़े हो तुम विक्टर, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मगर जॉन ऐसा हो चुका है, पिछले ट्रेन एक्सीडेंट का दोषी तुम्हें पाया गया है, जिसके दौरान 20 व्यक्ति उसी समय मारे गए थे जब वे पटरियों पर खड़े कुछ दूर चल रहे मेले की रोशनी देखने की चेष्टा कर रहे थे। और इस शराब के बाद तुम्हारी तरक्की के रास्ते रुक गए हैं, यही न, और यही नहीं, मुझे मेरी 10 साल की सेवाओं का ये इनाम दिया गया कि मुझे प्रमोशन की बजाय डिमोशन दे दी गई, मुझे सेंटिंग पर लगा दिया, मेरी नजर कमजोर हो चुकी है, यही न सेंटिंग ट्रेन के डिब्बों को जोड़ने का काम। तुम होश करे जॉन, राजधानी सुपर डिलक्स एक्सप्रेस लेकर कौन जा रहा है? मुझे कहना होगा जॉन कि अब उसे लेकर तुम नहीं जाओगे, बल्कि उसे लेकर मुझे भेजा जा रहा है। अरे विक्की तुम, ओह, अब नीलू और अपने भैया को समझाओ कि जो हो गया उसे एक आचार समझ कर भूलने की चेष्टा करे, मेरी तो ये सुनता नहीं। तत्पश्चात विक्टर ने अपनी मंगेतर नीलोफर को सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ विक्की? गहरी श्याम के साय में अगर वह एक्सीडेंट हुआ भी तो उसका सारा दोष क्या भैया का था? तुम हताहत लोगों को जरा भी नहीं, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भैया मुझसे बेहतर दे सकते हैं। खैर मैं भैया को मना लूंगी, तुम यह बताओ कि उस नई फास्ट ट्रेन राजधानी सुपर डिलक्स का उद्घाटन कब है? और उस दिन के बाद से मानो जॉन के दिन रात का चैन खो गया था। भैया चाय रख दो,
नीलोफर के जाने के बाद तुम्हारा डिमोशन कर दिया गया, अब राजधानी सुपर डिलेक्स को लेकर मैं जा रहा हूँ। अब मुझसे लगाई गई सर तार गए जॉन, तुम्हें पूरा विश्वास था कि इस समय इस सुपर फास्ट ट्रेन का ड्राइवर तुम्हें बनाकर भेजा जाएगा। हा 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 तुम हार गए, तुम्हारी डिमोशन, ट्रेन लेकर मैं जाऊंगा। हा हा और नहीं 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 खनौर, ऐसा नहीं हो सकता हरगिज नहीं, उस ट्रेन को मैं नहीं ले जा सक पाया तो कोई नहीं ले जा सक पाएगा, हाँ कोई भी नहीं, नेवर। और उसके बाद जॉन तेज तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। न जाने भैया को क्या हो गया, ओ माय गॉड, उन्हें दुख सहने की शक्ति देना। जबकि शहर से 20 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में, आओ बिजू, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। काम हुआ बिजू, जिस काम में हाथ डालता वह कभी अधूरा नहीं रहता। यह रही उस जगह की संपूर्ण तस्वीर है जहां मेरी योजना का क्लाइमैक्स हुआ। गुड गुड, तस्वीर लिफाफे से बाहर निकाली गई। यहाँ इस तस्वीर में एक गोदाम सा कैसा है, ये गोदाम नहीं दिलाओ बल्कि कहो कि हमारी योजना की किस सफलता है। ठहरो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि योजना के उस हिस्से के लगभग 15 मील आगे और 15 मील पीछे कोई गांव या बस्ती या रेलवे स्टेशन नहीं है। और जाए गोदाम में पहले कभी वहां शुगर फैक्ट्री हुआ करती थी जो कि बहुत घाटे में चलने के कारण बंद कर दी गई। सब बड़े ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन आज वह रेलवे लाइन वहां से हटाई नहीं गई जिसे फैक्ट्री से उत्पादित माल मालगाड़ी द्वारा दूसरे शहरों में बेचने के लिए बिछाया गया था। हाँ, उसे एक मिल लंबी पटरी के दो तीन हिस्से जरूर कबाड़ियों द्वारा फिश प्लेट हटा लिए जाने के कारण रास्ते से हट गए हैं, लेकिन फिलहाल हमारा विषय ये नहीं है, तुम आगे बढ़ो। इस तस्वीर को देखो, ब्लैक बेल्ट उस स्पॉट को जांत में काटा दिखाई दे रहा है, साथ ही काटा बदलने के लिए लगा लीवर भी देख रहा हूँ। काटा ट्रेन को एक पटरी से दूसरी पटरी पर ले जाता है। आगे बढ़ने पर मैं चाहूंगा कि करीम पहले हमें ट्रेन की स्थिति के बारे में संक्षेप में बता डाले, क्यों नहीं। ट्रेन में कुल 10 डिब्बे होंगे, पहले 6वां 8वां यात्रियों के, 9वां रेलवे डाक सर्विस का, अंतिम 10वां डिब्बा गार्ड का है, वो 7वां डिब्बा अनमोल मूर्ति का जिन्हें प्रदर्शन के लिए गढ़पाल के नेशनल म्यूजियम में भेजा जा रहा है। और इनमें से एक मूर्ति की तो केवल आंखों का मूल्य 2 करोड़ रुपए आंका गया है। इसी डिब्बे में 4 सिक्योरिटी गार्ड है, हर वक्त मुस्तैद खजाने के पैर पर होगी। और कुछ फिलहाल काफी अब आगे सुनो, शुगर मिल वाली पट्टी के टूटे हिस्सों को हमें ट्रेन आने के आधा घंटा पूर्व जोड़ना होगा। इस काम के लिए हमें से 3 व्यक्ति वहां उपस्थित रहेंगे, 2 ट्रेन में सवार होंगे। उनका काम होगा उस स्थान पर डायनामाइट कलगी छड़े फिट करना, जहां डिब्बों के होज पाइप तथा हुक आपस में जुड़े होंगे। ठीक समय पर हम विस्फोट करके खजाने वाले डिब्बे को बाकी डिब्बों से अलग कर लेंगे। उसके बाद का सारा काम गोदाम वाली पटरी पर स्थित 3 व्यक्तियों पर निर्भर है। अगर वे सफल हो गए तो हम भी सफल, अगर नहीं तो सब मिट्टी हुआ समझो, हम जरूर सफल होंगे। वेरी गुड सचमुच बिजू, तुम्हारी योजना वाकई दमदार है, लेकिन डायनामाइट के फटने के धमाकों से कहीं ट्रेन पलट गई तो नहीं पलटेगी, क्योंकि वह डायनामाइट छड़े बहुत अधिक शक्तिशाली भी नहीं होगी। राजधानी सुपर डिलेक्स आज से 30 दिन दोपहर 3 बजे रवाना होगी। इसी बीच हमें योजना को अंतिम रूप देकर उसकी कमियां निकालनी होगी और योजना की सफलता के लिए काम में आने वाली प्रमुख वस्तुओं का इंतजाम करना होगा। और करीम खान, तुम तब तक पहले की तरह रेलवे सिक्योरिटी सर्विस के मुख्य अधिकारी के सेक्रेटरी के पद पर अपनी सीट संभाले रहो, समझ गए ना। वह तो मैं संभाले रहूंगा ही। उसके बाद मीटिंग बर्खास्त कर दी गई और ठीक 3 दिन बाद राजनगर रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री जी ठीक 2:50 पर ही वहां पहुंचेंगे, उससे पहले ही पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। अभी 2 घंटे पूरे बाकी, समझ गए। लेकिन से म्यूजियम भेजी जाने वाली मूर्तियों के बॉक्स अभी नहीं पहुंचे हैं, मुझे सूचना मिल चुकी है बक्से कुछ ही पलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पहुंचने वाले हैं। जबकि नई सुपर फास्ट ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने का सभी यात्री बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह कैसी सुपर फास्ट ट्रेन है जी, इसे कछुए की चाल से प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है, पूरे 2 घंटे हमें यहाँ झकमाते हो गए हैं। सब्र रखो लाइन, अगर हम 4 घंटे पहले ही प्लेटफॉर्म पर आ पहुंचे तो इसमें बेसाई ट्रेन का क्या दोष, गोया वह तो अपने समय पर ही आएगी ना। माँ मुद्दे दूध चाहिए, दूध दूध ए भगवान, क्या वाला लाइन, गोया कहीं गाड़ी का टिकट तो घर नहीं बुलाई हो। अजी हमको आपको तो हमेशा मस्करी सूझती है, टिकट तो मेरे पास में, दूध भूलता हूँ, मुन्ने का दूध लाना गई हूँ, अब मुन्ने को क्या दू, माँ दूध। अरे तो इसमें रोनी क्या बात, लाओ मुझे तो मुन्ने का थर्मस, गोया मैं अभी कहीं से दूध का प्रबंध करके लाता हूँ। यह लो जी थर्मस, पर जरा जल्दी लेकर आना दूध। वो न जाने प्लेटफॉर्म पर दूध के लिए कितना आगे जाना होगा,
कोई देगा भी या नहीं। दीवाना मुझको लोग कहे मैं समझू जग है दीवाना। और धड़ाक ऑफ। अरे माफ करना भाई, मैं जरा कुछ जल्दी में था। कोई बात नहीं, वैसे आपने मुझे पहचाना नहीं। खैर मैं खुद अपना परिचय देता हूँ। मुझे धर्मचंद जासूस कहते हैं, जासूस करमचंद का छोटा भाई। मैं एक सफल जासूस हूँ जनाब। अब मेरी काबिलियत का अंदाजा आप इसी पॉइंट से लगा सकते हैं कि आपको देखते मैं समझ गया हूँ कि आप पानी की तलाश में निकले। आपने कहीं जाना, आपके हाथ में थर्मस देखकर। मिस्टर धर्मचंद साहब मैं पानी नहीं दूध लेने जा रहा हूँ। क्यों मजाक करते हो जनाब, आपकी उम्र अब दूध पीने की तो नहीं लगती। ओह मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए दूध लेने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा ये आपने पहले क्यों नहीं बताया, दूध जितना चाहिए मैं आपको दिलवा सकता हूँ। गोया आप जी आप मेरे साथ चले, मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट दूर मेरे दादा दादा के जमाने से चली आ रही डेयरी है, जहाँ पर हर व्यक्ति उसी डेयरी से दूध खरीद कर पीता है। तभी तो वहां का आदमी मेरी तरह सेहतमंद व ताकतवर देख रहे हैं ना आप मेरे डोले। हाँ तो आप चल रहे हैं ना, गाड़ी की फिक्र मत करो जी, मुझे भी तो इसी ट्रेन से जाना है पर लोकप्रिय। मुझे माफ कीजिए पहलवान साहब, गोया आपकी डेयरी का दूध पिलाने से बेहतर है मैं बच्चे को स्टेशन का दूध पिलाना ज्यादा पसंद करूंगा। लेकिन अजी जनाब सुनिए तो, गाजर तो खाते जाइए, कुछ देर बाद लो लो लाइन ले आया हूँ दूध तुम्हारे सपूत के वास्ते। अजी अब क्या खाक ले आयो, मुन्ना तो कब का रो रो कर सो भी गया है। अजी भाई साहब जरा सुनिए तो, ओए मैंने कहा भाई साहब जरा उठिए। हद हो गई मेरी शराफत की भी, बड़ा बेशर्म दिखता है जी ए बंदा। चलो कोई दूसरी सीट देखिए। ओए क्यों देखिए कोई दूसरी सीट, मैं 80 यहीं बैठांगे, देखता हूँ कि ए बंदा कैसे नहीं जागता। और अगले पल सीधे उंगली नाल गिनी निकलता, होने देखन देखना ऐस बंदे दी तो मैं खर खर को लपड़ पकड़ के उठा लिया। और जा नहीं तो ट्रेन तले पा देवांगा, हूं ऐसे बैठा रहा। अगर फिर सोया तो याद रखी मेरा नाम सदा सुचा सिंह होगा। आओ जी हूं आकर बैठो। खुर खुर फिर सो गया। अजी सरदार जी ट्रेन स्टेशन पर लगने ही वाली है, क्यों इस नशेबाज के साथ माथा पच्ची करके अपना मूड भी खराब कर रहे हो। अजीब बात आया मैं इस मूर्ख आलसी से, गोया कि आप जा कर रहे हैं नई सुपर फास्ट ट्रेन से अकबराबाद। तभी सुनिए जी कहिए, राजधानी सुपर डिलक्स क्या हियर से जाना मांगता जी। ओह क्या हम इधर शिटोस किंग जी। ओह शायद तुम अंग्रेजी नोट समझेंगे, ठीक है हम हिंदी में बात करता, क्या हम यह बैठ सकता है। जरूर बैठो जी, गोया बैठने पर सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगा रखा है, पर आपके पास टिकट तो है ना। बड़ा अंग्रेज का पुत्र, तुम हमसे फन करता हमारे पास टिकट होता तो यह देखेंगे। अरे मगर यह तो प्लेटफॉर्म टिकट है, तुम फिर हमसे फन करना मांगता है। हे, इस वक्त हम प्लेटफॉर्म पर खड़ेंगे राइट, सफर के बाद भी हम प्लेटफॉर्म पर ही उतरेंगे राइट, तब तुम ये बताना मांगता कि हम प्लेटफॉर्म टिकट लेकर कौन सी गलती करता है। तभी प्लेटफॉर्म पर सनसनी फैल गई। अरे उठो उठो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है, इस कुमकर्ण के भतीजे का क्या होगा, मुझे लगता है इसे भी इसी ट्रेन से जाना है। वो ट्रेन इज कमिंग, घबराओ नहीं लाइन, हमारी सीटें रिजर्व है। हर तरफ अफरातफरी मच गई, राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर लग रही थी। कुछ देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई और यात्री आरक्षित डब्बों पर मान टूट से पड़े। अरे वो ओ मेरी चप्पल, अरे भाई जल्दी चढ़ो ना। अरे मुंह क्या चप्पल के बिना बेटी के घर जाऊंगी, तेरा सत्यानाश उतरे मुंह में ये लंबे लंबे कीड़े पड़े नाश पिटे। हे लोमा चप्पल और जल्दी से भीतर हो जाओ, भगवान तेरा भला करे बेटा। लाहौल बिलाकुत, जब रिजर्व डिब्बो की हालत है तो फिर जनरल कंपार्टमेंट की क्या होगी। नीचे में प्रदर्शित की जाने वाली अनमोल मूर्तियों के बक्से भी वहां पूछे थे। सावधान से इन बक्सों को साथ में डिब्बे में रखाओ करीम खान। यस सर। तत्पश्चात ठीक से दरवाजा सील करना जी। ओ सुकार आए ओ करीम बहरा, लेकिन मुझे उससे बात नहीं करें, चुपचाप गाड़ी में सवार होना है। उधर कैंटीन में विक्टर अपने साथी मज्जर के साथ, न जाने क्यों अभी तक जॉन और नीलू यहां नहीं पहुंचे। क्या सोच रहे हो विक्टर। आज कुछ नहीं, जोन मेरा जिगरी दोस्त तरक्की न पाने से उसका दिल टूट गया है। क्या मेरे लिए ऐसे में इस ट्रेन को ले जाना उचित होगा, शायद नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल नहीं होगा। मैं ट्रेन लेकर नहीं जाऊंगा, मुझे कोई ना कोई बहाना करना ही होगा। क्या बात है विक्टर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। ओ शायद नहीं, मेरा सिर घूम रहा है।
मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। वे विक्टर संभालो विक्टर। क्या हुआ विक्टर की तबीयत अचानक खराब हो गई लगती है। ये तो बहुत बुरा हो मंत्री जी, किराने का समय हो गया है। अब क्या होगा इस हालत में भी विक्टर को ट्रेन लेकर नहीं भेजा जा सकेगा। तुम इसे वेटिंग रूम में छोड़कर फौरन इंजन में पहुंचो, तब तक मैं कोई इंतजाम करता हूँ। केक उत्तर मंत्री जी की कार भी आ पहुंची थी। ट्रेन के उद्घाटन का शुभ समय भी आ गया था। मंत्री महोदय नारियल फोड़कर नई सुपर फास्ट ट्रेन का विधिवत उद्घाटन करेंगे और उसे हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन क्या आने वाला वह समय शुभ था? तुम्हारा माल इस बैग में जॉन, और तुम्हारा माल इस बैग में। लेकिन तुम इस बम का क्या करोगे? इस प्रश्न का उत्तर देना मैं जरूरी नहीं समझता। ओके तो तुम नीलू इस बैग में क्या? भैया क्या मैं पूछ सकती हूँ? कुछ नहीं आवश्यक कागजात हैं। तुम अपना काम करो और मुझे एक जरूरी काम से जाना है। आप झूठ बोल रहे हैं भैया, इस बैग में जरूरी कागजात नहीं बल्कि एक बम है। मैंने सब सुन लिया है और मैं समझ सकती हूँ आपने यह बम क्यों मंगवाया है। आप इस बम से राजधानी सुपर डिलक्स एक्सप्रेस को उड़ा देना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उसका ड्राइवर आपको नहीं बल्कि इस घर के होने वाले दामाद विक्की को बनाकर भेजा जा रहा है। यही है झूठ है, यही सच है। आप ईर्ष्या में चल के यह भी भूल बैठे हैं कि यह बम हजारों निर्दोष व्यक्तियों के प्राण ले लेगा, जिसमें आपकी बहन का होने वाला पति भी शामिल हो सकता है। लेकिन नहीं, मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। हजारों निर्दोष लोगों का हथियार नहीं बनने दूंगी मैं आपको, हरगिज नहीं। और फिर पागल मत बनो नीलू, मेरे रास्ते से हट जाओ। कभी नहीं भैया, अपने जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और जाना ये था, तुम्हें मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते नीलू, बैठे ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं, जिसने मेरे अरमानों का खून ही नहीं किया बल्कि मुझे सबकी निगाहों में जलील भी किया। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा मैं। अब देखूंगा कैसे करते हैं मेरा डिमोशन। तुम इस बम को नहीं पहचानते हो नीलू, यह चुंबकीय स्पीडो बम है जो ट्रेन की गति कम होते ही फट जाता है। और इस बम को फिट करने के बाद मुझे अभी तुम तुगलकाबाद पोल पर पहुंचना है। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मुझे माफ करना अगर तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं हरकत कर बैठू तो। अगले पला भैया नहीं, फिर अब जब तक तुम होश में आओगी मेरा काम समाप्त हो चुका होगा। उसके बाद अपने स्कूटर पर सवार होकर जॉन तुगलकाबाद पुल की तरफ चल पड़ा। तो स्पीडो बम की भयानकता से आप परिचित हो चुके हैं। एक बार फिर वही भयानक खत्म नहीं सुपर फास्ट ट्रेन राजधानी सुपर डिलेक्स पर मंडरा रहा है। जोन पर पागलपन सवार हो चुका। तुगलकाबाद पर से ट्रेन गुजरेगी, जोन चुंबकीय बम ट्रेन के निचले हिस्से पर लगा देगा, तब क्या होगा? क्या खेल खत्म? क्या एक बार फिर महाविनाश होगा? क्या एक बार फिर सैकड़ों लोगों का खून बहेगा? क्या यह तबाही रुकने पाएगी? आखिर कोई हल कोई रास्ता तो होगा। ब्लैक बेल्ट करीम खान, सुखा, दिलावर और बिज्जू, ये पांचों शैतान मिलकर करोड़ों की मूर्ति के 6 बक्से लूट लेना चाहते हैं। खजाने वाले डिब्बे को बीच से काटकर उस शुगर मिल पहुंचाने की योजना, कैसे हुआ ये सब? इन प्रश्नों का उत्तर अगले पार्ट में मिलेगा, जिसका नाम है मौत का सफर। तो दोस्तों अगर कॉमेंट से आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपके आपसे अगले कॉमेंट में। अब आज मैं जब इस कॉमेंट से पढ़ रहा हूँ तो मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइब हो चुके हैं, और इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों को मेरा चैनल पसंद आया, और 1000 सब्सक्राइबर जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो ये इसका अगला पार्ट मौत का सफर, लेकिन हमारा कॉमिक्स का सफर चलता रहेगा। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।